स्टूडेंट्स अब हम एक इम्पॉटेंट कॉन्सेप्ट है जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल हम अब वेरिएबल को देखेंगे कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं तो वेरिएबल को अगर हम डिफ़ाइन करें क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम मैर कर सकें और उसको एम्पेरिकली हम उसका डेटा कलेक्ट कर सके हम उसको वेरिएबल कहते हैं और वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी वो दो या दो से ज़्यादा होंगी यानी कि वेरिएबल्स में हम अगर इसको देखें तो वेरिएबल की सिर्फ एक वैल्यू नहीं होती वेरिएबल की कम से कम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी और वेरिएबल जो है वो उसका जो वैल्यू है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं एट्रीब्यूट दो तरह से होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह होते हैं जैसे यहाँ पे हम आ, हम देख रहे हैं एक वेरिएबल जो जेंडर का है तो जेंडर के वेरिएबल में हम देखें तो हमारी तीन रिस्पॉन्स कैटेगरीज हैं और ये तीन वैल्यूज़ हैं इन तीन वैल्यूज़ में हम देखते हैं कि जो आ, हमने बनाई है मैन वुमेन थर्ड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर इसकी जो एट्रीब्यूट है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है यानी कि ये हमने मैयर किया है विद क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट नीचे एज है एज में हम जो देख रहे हैं हमने आ, एज को मैयर किया है वन ईयर टू सिक्सटी टू ईयर्स तो यहाँ पे हम एज को मैयर कर रहे हैं इनकम्प्लीटेड इंडेक्स यानी हमारा जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो वन ईयर है यानी यहाँ पे हम वन टू टू पॉइंट टू या टू पॉइंट थ्री के जरिए मैर नहीं कर रहे हैं एज को बल्कि कम्पलीटेड ईयर्स में कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वान्टिटेटिव इन नेचर हैं यानी इनका एट्रीब्यूट जो है वो क्वान्टिटेटिव है और अब अगर हम देखें थर्ड आपका एग्ज़ाम्पल वो इनकम है तो इनकम में आप देख रहे हैं हाई इनकम कंट्रीज़ मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लो इनकम कंट्रीज़ तो वहाँ पे भी आपका जो एट्रीब्यूट है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है अब हम इसकी बात करते हैं कि वेरिएबल्स की टाइप्स क्या हैं तो वेरिएबल की तीन टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक कॉज होता है यानी Uh, ऐसा कोई कॉज जो जिसकी वजह से कोई आउटकम आ रहा हो जैसे हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस तो पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट की वो काज़ है परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स uh, की वो अफेक्ट है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हुआ और परफॉर्मेंस जो है वो आपकी स्टूडेंट uh, पार्टिस uh, हुई तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटकम भी कहते हैं और किसी भी फिनमिना को स्टडी करते हुए हमें हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स को स्टडी करना पड़े जिनको हम काज भी नहीं समझते और अफेक्ट भी नहीं समझते बल्कि वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स और हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स में